हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू एग्जाम क्लियर। तो हम लोग कर रहे हैं 30 डेज टू पावरफुल वोकैबुलरी। अगर आप लोग ये सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग डेली आपके लिए बहुत सारे न्यू वर्ड्स लेकर आते हैं। उन वर्ड्स को रियल कॉन्वर्सेशन में किस तरीके से यूज करना है और क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, तो ये सब कुछ आपको सीखने के लिए मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। ये हमारे सोशल हैंडल्स हैं, चाहे तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हम आपको बहुत सारा फ्री स्टफ प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने आपके लिए एक वोकैबुलरी पावर कोर्स लॉन्च किया है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज में ही अवेलेबल होगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये जानने के लिए आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको 10,000 प्लस न्यू वोकैबुलरी वर्ड सीखने को मिलेंगे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आप लिंक पे जाके देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का जो पहला वर्ड है वो है ऑफेंड। बहुत से लोग इसे ऑफेंड पढ़ते हैं पर ये ऑफेंड नहीं, ऑफेंड है। अ Offend, ये एक वर्ब है। तो चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं। टू मेक समवन अपसेट और एनॉयड, मतलब कि जब कोई आप किसी को गुस्सा दिला देते हैं या फिर किसी को इरिटेट कर देते हैं तब हम क्या कह सकते हैं कि हमने उसे ऑफेंड कर दिया या फिर किसी ने आपको ऑफेंड कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि ये वर्ब है तो इसका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होगा, तो जो कि है ऑफेंडेड। क्या बोलते हैं इसे? अ Offended, offended. चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं जो कि है नाउन। इसकी प्रोनाउंसिएशन है ऑफेंस। क्या होगी इसकी प्रोनाउंसिएशन? ऑफेंस, ऑफेंस। इसका मीनिंग होता है टू कमिट एन इलीगल एक्ट और ब्रीच ऑफ लॉ। देखिए मैंने आपको बताया कि ऑफेंड का मतलब होता है कि किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को इरिटेट कर देना, लेकिन जो ऑफेंस है, ऑफेंस का मतलब होता है थोड़ा डिफरेंट। इसका मतलब होता है कि जब आप कोई लॉ तोड़ते हो या फिर कोई इलीगल एक्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो उसने अगर कोई ट्रैफिक रूल्स ब्रेक किए, जैसे कि आपने अगर हेलमेट नहीं पहना, तो वो क्या है? वो एक ऑफेंस है, मतलब कि आपने एक लॉ तोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑफेंसिव। क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन? ऑफेंसिव। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है टू कॉज समवन टू फील अपसेट, एंग्री और अनॉयड। मतलब जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं कि ऑफेंसिव लैंग्वेज मत यूज करो, डोंट यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज। मतलब कि जब आप कुछ ऐसा बोल देते हो और इस तरीके से बोल रहे हो, आप ऐसा बोल रहे हो कि किसी को अपसेट कर दे रहे हो, किसी को गुस्सा दिला दे रहे हो, मतलब आप एक ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हो। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑफेंसिवली। क्या है? Offensively, ये एक adverb है। The way that causes someone to be upset, angry or annoyed, मतलब कि वो तरीका, जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि आप किसी को अपसेट कर दे रहे हो, किसी को गुस्सा दिला दे रहे हो, तो जो तरीका है उस चीज को क्या बोलेंगे? Offensively। तो चलिए हमेशा की तरह देख लेते हैं कि इन वर्ड्स को हम रियल कॉन्वर्सेशन में किस तरीके से यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल है, यू शुड नेवर आस्क गर्ल्स अबाउट देयर एज, इट ऑफेंड्स देम। मतलब कि आपको लड़कियों को कभी भी उनकी एज के बारे में नहीं पूछना चाहिए क्योंकि वो चीज उन्हें ऑफेंड कर देती है। ये चीज आपको शायद रियल लाइफ में भी पता होगी कि लड़कियों को उनकी एज के बारे में पूछना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर हम देख लीजिए इस वर्ड को, ऑफेंड को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आई डोंट वॉन्ट टू ऑफेंड यू बट यू शुड ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। देखिए यहाँ पे जो हमने यूज किया आई डोंट वॉन्ट टू ऑफेंड यू, ये जो फ्रेज है ये हम यूज करते हैं जब हम किसी को किसी चीज के लिए मना करना चाहते हैं पर साथ ही चाहते हैं कि उसे बुरा ना लगे, तब हम इस चीज को यूज करते हैं कि आई डोंट वॉन्ट टू ऑफेंड यू, बट उसके आगे आप जो भी बोलना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि बट यू शुड ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। तो जैसे यहाँ पर ये उसे मना भी कर रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई ट्रेडिशनल ओकेजन है और वो वेस्टर्न ड्रेस पहन रही है तो वो उसको मना कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज के लिए, पर साथ ही चाहते हैं कि उसे बुरा भी ना लगे, इसलिए हमने यहाँ पर क्या फ्रेज यूज किया, आई डोंट वॉन्ट टू ऑफेंड यू। चलिए
नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं. ही वॉज क्वाइट ऑफेंसिव विद द वेट्रेस. आई एम नॉट गोइंग ऑन अ सेकेंड डेट विद हिम. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कपल है जो कि एक डेट पे गया है, लेकिन उसमें जो लड़का है वो वेट्रेस के साथ में बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव था. मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा उसके साथ शायद बदतमीजी कर रहा था या बहुत ही बुरी तरीके से पेश आया. तो जिसके उस बाद में लड़के ने डिसाइड किया कि वो उसके साथ में सेकेंड डेट पे नहीं जाने वाली, वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाई. चले नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई एम सॉरी इफ आई ऑफेंडेड यू, आई डिडंट मीन टू से दैट. देखिए ये चीज कई बार होती है कि हम कुछ बोलना नहीं चाहते होते, हमारा इंटेंशन अच्छा ही होता है, पर शायद अपने मुंह से कुछ ऐसा निकाल देते हैं जिससे सामने वाले को बुरा लग जाता है. तो वहां पर हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, देखिए कि मैं माफी चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें बुरा लगा, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था ऐसा कुछ कहने का. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा. और अगर फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि हम इसी तरीके के लेसन बनाते रहेंगे.